नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं एशियन भारत। और अब वक्त हो चला है एशियन रफ्तार का। दमोह में मोदी का नाम और मोदी का काम ही गारंटी है। भाजपा के संकल्प पत्र पर मंत्री पटेल का बयान। कांग्रेस ने भाजपा के संकल्प पत्र को कहा झूठ का पुलिंदा। मोदी का नाम और मोदी का काम ही गारंटी। रायसेन लोकसभा चुनाव में चलते एक्शन में प्रशासन। एसएसटी टीम लगातार कर रही वाहनों की सघन चेकिंग। 1 लाख से ज्यादा का कैश हुआ जब्त। देर रात टीम ने चलाया चेकिंग अभियान। रीवा में चुनावी सरगर्मी के बीच वीडियो वायरल। नेहा सिंह राठौर के नए गाने पर सियासत तेज हो गई है। रीवा में काबा से भाजपा पर निशाना। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। बिना में नरसिंह हिंदू संगठन ने निकाली शोभा यात्रा। झांकियां रही आकर्षण का केंद्र। सीहोर में धड़ल्ले से निकल रहे ओवरलोड रेट के दम पर नियम के अधिक दाम में काटी जा रही रॉयल्टी। जिला प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। ठेकेदार कर रहे अपनी मनमानी। इंदौर कार्यालय उद्घाटन में आपस में भिड़े कांग्रेसी। फोटो सेशन के दौरान धक्का लगने पर विवाद सामने आया। दोनों नेताओं के समर्थक आमने सामने। कांग्रेस ने लगाया भाजपा पर विवाद करवाने का आरोप। रायसेन में यूपीएससी परीक्षा में हुआ दिव्या यादव का चयन। 498 रैंक प्राप्त कर मिली सफलता। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बेटी है दिव्या यादव। 4 अटेम्प्ट के बाद भी जारी रखा था संघर्ष। चित्रकूट में कन्या वंदन महोत्सव का आयोजन। 1100 कन्याओं का हुआ पूजन। जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य ने किया कन्या पूजन। कन्या पूजन के बाद दिए गए उपहार। गुना में अंशु रघुवंशी ने किया चंदेरी नगर में चुनाव प्रचार। सिंधिया के पक्ष में मतदान करने की अपील। पीएम मोदी के कार्यकाल को रखा सामने। 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। सागर पहुंचे मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर भरवाया नामांकन। सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। नरसिंहपुर पहुंचे पीसीसी चीफ अध्यक्ष। जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में मांगा भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उमरिया में मतदान दल ईवीएम को लेकर रवाना। उमरिया जिले में बनाए गए हैं 585 मतदान केंद्र। 50 संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष निगरानी। मतदान बहिष्कार करने वालों को दी समझाइश। किसली में 9 दिवस उगाए जवारों का किया विसर्जन। देवस्थान पर पहुंचकर महिलाओं ने दर्शन लाभ लिया। गोटेगांव में ईवीएम को लेकर मतदान दल हुए रवाना। मतदान सामग्री का हुआ वितरण। मतदान कर्मियों में दिखा उत्साह। कलेक्टर ने की मतदान कर्मियों से चर्चा। इंदौर में गर्मी के तेवर पड़ सकते हैं भारी। रूटीन लाइफ में बदलाव करने की जरूरत। दोपहर के समय शरीर को ढक करने के लिए बाहर। मौसमी सब्जियों फलों और पानी का सेवन लाभकारी। बड़वारा में चुनाव की तैयारियां पूर्ण हुई। 299 पोलिंग बूथों पर पहुंचे मतदान दल। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष निगरानी। मतदान कर्मियों में दिखा अपार उत्साह। भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा ने किया नामांकन। सीएम मोहन यादव समेत कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। सीएम ने कर्फ्यू वाली माता मंदिर में की पूजा अर्चना। खजुराहो प्रत्याशी वीरेश शर्मा पहुंचे कटनी। इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी को बताया वामपंथी। कहा यह देश विरोधी ताकतों को करते हैं मदद। ग्यारसपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर बोला हमला। राहुल गांधी को कहा रणछोड़। कहा कि कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा नहीं। खेतों में सिंचाई की व्यवस्था करेगी हमारी सरकार। दमोह में पीएम की सभा को लेकर व्यापक तैयारियां। 2 मंत्रियों ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी। प्रशासन ने किए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। आचार संहिता का उल्लंघन न होने पर विशेष ध्यान। इंदौर में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन हुआ सख्त। अवैध शराब के परिवहन में पुलिस की सतत कार्रवाई। मीठी सुपारी की आड़ में अवैध शराब की तस्करी। एरोड्रम पुलिस ने ट्रक सहित शराब जब्त की। इंदौर में बिना काम किए ठेकेदारों ने फर्जी बिल दिए। नगर निगम को दिए 28 करोड़ के फर्जी बिल। निगम ने कार्रवाई। ठेकेदारों पर FIR दर्ज की। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारी की बात कही। दमोह के पथरिया में सनसनीखेज घटनाक्रम। आदिवासी युवक की लाश मिलते ही रेलवे ट्रैक पर परिजनों ने दबंगों पर आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल के लिए एशियन रफ्तार में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए एशियन भारत।